आज जो सड़क पे दंगल करने वाले को बनी मांग कर पता नहीं अली से क्या पहुंच रहे कि वो अली जो बनी मांग के पर तैयार नहीं हो आज फिर साफ है कि आपने नहीं देखा कि आज भी लोग दौलत की इज्जत करते हैं कैद की इज्जत नहीं है और उसकी वजह यही है कि लोगों ने अली को छोड़ दिया अली के साथ है भी था दुनिया दौलत के पीछे दौड़ पड़ी मैं एक रिवायत करता हूं और गुफ्तगु तमाम करता हूं साबई ने कहा भी अली का एक सहाबी है जिसका नाम है हुज़ैफ़ा उसने एक रोज अपनी तलवार को तेज उसकी बीवी ने पूछा कि आज तलवार तेज करके कहां जा रहे उसने कहा अली के पास क्या पूछे अली ने बुलाए तो सुनिएगा दो मिनट की रिवायत है और लोग ये तलवार तेज कर रहा और बाद अली ने अपनी तलवार लेके रात के सुंदर घर के दरवाजे में किया हुज़ैफ़ा रोने लगे और वो के कहने के बाला जमाना को रात छोड़ दे ऊपर की हालात खास प्यार नहीं ऊपर में कई अजनबी नजर आते हैं जो अबाओं से चेहरों को धके हुए चलते हैं अजनबियों को तलवारें तेज करके हुए दिखाया जाए बाला आपकी तकरीरों से डर लग रहा है जब से रमजान शुरू हुआ है आपकी तकरीरों से मारे ये बकिया से क्यों निकलाई हो मारे ये दाढ़ी पे हाथ रखी क्यों कहते हैं खिलाफ कर दिया नहीं हूँ मारे जब से मैंने ये तकरीरें सुनी मैंने तहिया किया ईमान में जमाना मुश्किल में है मुझ पर सोना हराम है मैं पहरा दूंगा मैं ईमान की हिफाजत करूंगा एक मरतबा अली की आवाज खुदा था अल्लाह से दवाए खैर दे तूने बड़ा अच्छा सोचा हूँ लेकिन मैं ईमान होकर हुक्म देता हूँ वापस कर कहता है मैं खबर आया मैं छोड़ छोड़ के ईमान को देखता था और ईमान मुझे दुआ देते थे और कहते थे जा हुज़ैफ़ा जा हुज़ैफ़ा तेरा ईमान तुझे कहता है कि जा घर पे इबादत कर आराम कर ले हुज़ैफ़ा कहता मैं घर आया मैंने रोना शुरू कर दिया बीवी ने पूछा वाली क्यों रोता है कहा आजकल हालात खराब है मैं अली को पहरा देने चाहता अली ने मेरी हिफाजत को कबूल नहीं किया ये कहते कहते हुज़ैफ़ा कहता है कि रोते रोते मेरी आंख लगी मुझे छिछोड़ा